वफाकी हुकूमत की तहलील से कबल अलविदाई दावतें, आर्मी चीफ ने वफाकी काबीना अरकान को इस्तकबालिया पर मदऊ कर लिया। आपको बताएं कि मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है, सियासी मुलाकातें जारी हैं, अलविदाई मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और उसमें आने वाले जो लाहे अमल हैं उसके हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। निगरान सेटअप के हवाले से भी जो है इन दावतों पर भी बातचीत की जा रही है। वफाकी हुकूमत की तहलील से कबल अलविदाई ये दावतें हैं। आर्मी चीफ ने वफाकी काबीना अरकान को इस्तकबालिया पर मदऊ किया। काबीना अरकान के एजाज़ में इस्तकबालिया जी एच क्यू में होगा। वफाकी काबीना ने अरकान इस्तकबालिया में शिरकत के लिए रवाना जो हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की तहलील से कबल ये अलविदाई दावतें हैं। आर्मी चीफ ने वफाकी काबीना को इस्तकबालिया पर मदऊ किया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा आर्मी चीफ ने वफाकी काबीना अरकान को इस्तकबालिया पर मदऊ किया है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ फोरम से अब चूंकि असम्बली जारी है इसलिए जो अरकान असम्बली हैं और वफाकी काबीना अरकान है उनके एजाज में अलविदाई दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। पहले वजीर आजम की जानिब से दावत दी गई थी और अब ये जरा का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से वफाकी काबीना के अरकान को जी एच क्यू मदू किया गया, जहाँ पर उनके एजाज में एक रिसेप्शन का एहतमाम किया गया और ये अलविदाई दावत होगी। आर्मी चीफ जो है तमाम काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे और ये जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ पार्लियामेंट के सदर से तो तमाम काबीना अरकान जो है वो जी एच यू की जानिब रवाना हो गए और अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये जो इस्तकबालिया है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।